आज हम बात करने वाले हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड शेयर की। जब मैंने पहले इस पे वीडियो बनाई थी तब इसके अंदर कोई खास मोमेंटम नहीं बना हुआ था, बट अभी के टाइम पर जितने भी इन्वेस्टर ने शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उनका लॉस हो रखा है, अब उनकी रिकवरी का समय आ चुका है, या फिर हम ये कह सकते हैं उनकी जो कैपिटल है उसका ब्रेक इवन पॉइंट का समय आ चुका है। तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना। जितने भी इन्वेस्टर हुडको कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, HUDCO कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो, इस शेयर के अंदर गोल्डन क्रॉसओवर बनता हुआ दिखाई दे जाता है, उसको आज हम डीपली तरीके से समझेंगे और सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हो स्टॉक मार्केट गाइडलाइंस चैनल। अगर आपको चैनल पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। गाइस हमारा एक और चैनल है SMG शॉर्ट्स के नाम से, जहां हम आपको शेयर मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बताएंगे, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान बनाने में। तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब हम आ चुके हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर। वन डे का टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे ऊपर करके रख रखा है। करंट में शेयर 40.70 रुपये पर चलता हुआ दिखाई दे जाता है। हालांकि अभी के टाइम पर मोमेंटम की चर्चा करें, सबसे पहले उसी की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको एक गोल्डन क्रॉसओवर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब गोल्डन क्रॉसओवर होता क्या है, ये एक मूविंग एवरेज की तरह मोमेंटम देखने को मिल जाता है। ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी नीचे वाली, इसको बोलते हैं फास्ट मूविंग एवरेज, या फिर हम इसको 50 EMA भी बोल सकते हैं। और जो ऊपर वाली ग्रीन कलर की जो आपको लाइन दिख रही है ये वाली, इसको बोलते हैं स्लो मूविंग एवरेज, जिसको हम 200 EMA भी बोल सकते हैं। जब फास्ट वाली मूविंग एवरेज या फिर 50 EMA नीचे से क्रॉस कर जाती है 200 EMA या फिर स्लो मूविंग एवरेज को, तो यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉसओवर यानी एक बिग अपॉर्चुनिटी बन जाती है बाय करने की शेयर्स को। यहाँ पर शेयर को बाय करना पॉइंट बन जाता है। एक्चुअल में ये जो पॉइंट था वो कहाँ बना था, वो इस वाले पॉइंट पर बनता हुआ दिखाई दिया था जब ये शेयर लगभग 42 के रेट पर था। हालांकि देखो अभी के टाइम पर ये थोड़ा शेयर रीटेस्ट करेगा, मार्केट को थोड़ा बाउंस बैक करेगा, देन उसके बाद से बढ़ना शुरू करेगा। अब चर्चा ये उठ जाती है कि जो बाउंस बैक है वो कहाँ से देखने को मिल सकता है। या तो देखो बाउंस मिलेगा आपको 38 के रेट पर, जो कि मतलब कहें तो इस मार्केट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है 38 या 38.5 के रेट पर। बाकी अगर ये बाउंस बैक 38.5 पे नहीं हुआ, उससे नीचे हुआ, तो ये जो बाउंस बैक है वो 37.65 पर देखने को मिलेगा, जो कि इसका मूविंग एवरेज रहने वाला है। एक्चुअल में देखो होता यह है कि जो मूविंग एवरेज होता है वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह भी वर्क करता है, इसलिए ये वाला जो इंडिकेटर होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसलिए जितने भी इन्वेस्टर शेयर में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, अगर आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर ये शेयर आपको 37, 38, 39 के रेट पर दिखाई दे जाता है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये शेयर देखो बेसिकली आएगा, देन उसके बाद बाउंस पे करके अच्छी खासी तेज़ी दिखाएगा। अब इसका जो नज़रिया है वो आपको मैं पहले टाइम पर भी दिखा देता हूँ किस तरीके से मार्केट ने तेज़ी दिखाई दी। देखो आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से, मार्केट में जब ये वाला बाउंस पे बना था या फिर कहें तो गोल्डन क्रॉस ओवर जो ये वाला बना था वो एक्चुअल में कब बना था, वो बना था इस वाले पॉइंट पर, जब ये शेयर लगभग आपको देखेगा 40-39 रुपये पर, 39.5 रुपये का जब ये शेयर था तब जाके कोई गोल्डन क्रॉस ओवर बना था। देन उसके बाद जितने भी इन्वेस्टर ने शेयर में 40 रुपये के रेट पर इन्वेस्टमेंट की होगी, देखो कितनी बार ये शेयर नीचे गिरा था, लगभग देखिए 30 के रेट पर आ चुका था, ऑलमोस्ट 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से गिर चुका था। फिर भी अगर इन्वेस्टर शेयर में रुका रहा होगा तो देखो कितनी ज़्यादा तेज़ी बनी होगी। उस टाइप का गोल्डन क्रॉस ओवर टूटा तो नहीं था, देखो आप क्रॉस नहीं हुआ था इतने खास तरीके से, तो इसलिए वो टूटा नहीं था। बट जैसे जो मान लो जिस भी इन्वेस्टर ने इसमें होल्डिंग करके रखी होगी लंबे समय तक के लिए, देखो इसका जो टारगेट था लगभग 58 तक का देखने को मिला था, ऑलमोस्ट 60 रुपये तक का। तो ये आप खुद से सोच सकते हो कि 40 रुपये का कोई शेयर 60 रुपये जा रहा है, ऑलमोस्ट 50% तक की रिटर्न, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी रिटर्न है शेयर मार्केट के अंदर। तो इसलिए अगर आप इस कंपनी में होल्डिंग कर रहे हो और बाई चांस ये शेयर बाउंस बैक करना शुरू कर देता है, देखो करेगा, बाई चांस तो नहीं कह सकता 100% बाई बाउंस बैक तो करेगा ही ये शेयर, बट आपको होल्डिंग करके रखनी है। जितने भी इन्वेस्टर शेयर में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, अगर आपका लॉस हो रहा है, आपने इस शेयर को महंगे में खरीद रखा है, तो आप इसमें एवरेज भी अभी के टाइम पर ला सकते हो। बाकी अगर ये शेयर आपको 38 पर दिखाई देता है तो आप इसमें फ्रेश बाइंग करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, पॉसिबल है दोनों ही चीज़ें। अगर बात करें इस कंपनी के सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की, तो क्या सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमको पॉजिटिव पॉइंट दे रहा है, तो हाँ जी बिल्कुल भी वो हमको पॉजिटिव पॉइंट दिखाता हुआ दिखाई दे जाता है। एक सेकंड वो आपको मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। एक सेकंड यहाँ पर मैंने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ओपन कर लिया, जैसा कि आप यहाँ पर खुद से पढ़ सकते हो तो सुपर ट्रेंड लिखा हुआ है। देन अभी के टाइम पर बात करें क्या इसमें बाइंग रेट चल चुका है, जी हाँ बिल्कुल बाइंग रेट चल चुका है। कहाँ से चला था वो रेट, लगभग चला था 37.60 के रेट पर। हालांकि देखो मार्केट का तो कहना 37.60 के रेट पर है, बट पर्सनली मेरा जो बाइंग रहने वाला है, जो मैंने आपको बताया था 38-39 के बीच में शेयर बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि देखो जो बाउंस बैक का रेट है वो इसके द्वारा भी देखने को मिल जाता है, जो कि रहेगा लगभग 38.25 तक का। अगर ये शेयर 38.25 क्रॉस करता हुआ दिखाई दे जाता है तो इस इंडिकेटर के जरिए इस शेयर में सेलिंग जनरेट हो जाती है। बाकी अगर ये शेयर आपको जनरेट करता हुआ नहीं दिखाई देता है 38.25 के रेट को, तो इस समय जो बाउंस बैक करके मार्केट बहुत अच्छी तरीके से बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इसलिए डिसीजन आपके हाथ में, जितने भी इन्वेस्टर शेयर में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं लंबे समय तक के लिए होल्डिंग करके रखें।
इस कंपनी के काम की चर्चा करें तो ये कंपनी परचेज, एक्सटेंशन, इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट या फिर कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन वाले कॉमर्शियल प्रेमिसेस को लोन प्रोवाइड कराने का काम करती है। ये जो लोन प्रोवाइड कराती है वो सिर्फ बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स के लिए रहते हैं। उसी के साथ प्रोफेशनल के अंदर लगभग डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर भी आ जाते हैं। अगर बात करें इस कंपनी के मार्केट कैप की तो 8148 करोड़ तक का कंपनी का मार्केट कैप दिखाई दे जाता है। हालांकि ये जो अपनी कंपनी के सेक्टर में काफ़ी अच्छा कर रही है। अगर बात करें इस कंपनी के बुक वैल्यू की 72 का चला हुआ है और इसका जो करंट प्राइस है 40 तक का देखने को मिल जाता है। इसका मतलब इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की जाए अभी के टाइम पर तो काफ़ी बेस्ट रहने वाला है। स्टॉक भी देखो कंपनी का 4.73 का चला हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। देन अगर बात करें आरओसी 9% तक का, आरओसी देखो लगभग 12% तक का देखने को मिल जाता है। मेरे हिसाब से ये एवरेज देखने को मिल जाते हैं। देन अगर बात करें इस कंपनी के फेस वैल्यू की 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से देखने को मिल जाती है। इस कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी है। पिछले 10 साल में 9.5% तक की, पिछले 5 साल में 14.5% तक की और पिछले 7 साल में लगभग 11% तक की। डेप्ट इक्विटी 4.25 का रहने वाला है। देखो ये कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है तो इसलिए इनके पास तो कर्जा रहता है या डेप्ट इनका हाई रहता है, क्योंकि अगर आप किसी फाइनेंस एंटिटी के अंदर पैसा डालते तो उनके लिए वो लायबिलिटी बन जाती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे जाती है। ओपीएम की अगर चर्चा करें तो 98% तक का काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इंडस्ट्री पी की बात करें 22.8 का चला हुआ जो कि स्टॉक पी से ज़्यादा ही होना चाहिए। पीजी रेशियो की बात करें 0.29 का चला हुआ जो कि 1 से कम और 0.01 से आगे होना चाहिए। अगर बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग की 81.8% तक की, ये भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। कंपनी में ओवरऑल सारे फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है तो इसलिए इस कंपनी में होल्डिंग करना भी बेटर रह सकता है एक लंबे समय तक के लिए, अवधि के लिए। अगर आप इस कंपनी में होल्डिंग करते हो तो कहीं ना कहीं ये शेयर आपको अच्छा साबित देखने को मिलेगा। तो इसलिए जितने भी इन्वेस्टर्स सोच के बैठे कि कंपनी तो बर्बाद है, खराब है, ये कुछ नहीं कर पाएगी, तो प्लीज़ ऐसा ना सोचे। कंपनी 101% ग्रो करेगी बट धीरे धीरे करेगी, इतना ध्यान रखना। ये जल्दबाजी तो नहीं होगी इस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी। आप सोच रहे हो कि साल भर में मुझे 100% तक रिटर्न मिले, 50% तक रिटर्न, वो पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अगर एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे तो इसमें 50% तक रिटर्न मिलना आसान हो सकता है। तो इसलिए इस कंपनी में होल्डिंग करके रखें। देखो हमेशा जो रिकॉर्ड होते हैं वो टूटने के लिए ही बनते हैं, तो इस कंपनी का जो रिकॉर्ड है 60 का है वो 101% टूटेगा ही टूटेगा। इसलिए वेट करके रखें और कोशिश करें कि इस शेयर को 40 रुपये पर आप बाय कर लो। अगर आपने ज़्यादा में इसको बाय कर रखा है तो आप 40 में इसको बाय करने की कोशिश करें, इसको एवरेज लाइए और 40 पर रोक दीजिए। 40 से थोड़ा कम होता है 38-37, वहाँ पर भी कुछ कुछ बाइंग कर सकते हो। कम से कम बाइंग करनी है, धीरे धीरे करके बाइंग करनी है, क्योंकि अगर शेयर गिरेगा थोड़ा सा भी तो उसमें आपको दोबारा बाइंग जनरेट हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पुराना सिनेरियो दिखाया था, शेयर मतलब 40 रुपये बाय करने के लिए टारगेट बना था, उसके बाद शेयर 30 रुपये पर भी आ चुका था पहले जो आपको मैंने दिखाया था, देन उसके बाद 60 रुपये तक शेयर गया था। तो कुछ ऐसा हो सकता है, जब ये शेयर 30 रुपये पर भी आता है तो बाइंग करनी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, शेयर आपको बढ़ के ही देगा। अगर बात करें इस कंपनी के पीयर कंपेरिजन की तो आप यहाँ पर देखो टॉप 5 कंपनीज में ये कंपनी आ जाती है अपने सेक्टर के हिसाब से और अपने मार्केट कैप के हिसाब से। देन अगर बात करें इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स की तो वो देखो खास इंप्रूवमेंट पर नहीं है। ऑलमोस्ट कंपनी 1700-1800 करोड़ तक की सेल जनरेट करती हुई पा रही है। देखो रेवेन्यू में इतना ग्रोथ नहीं है बट ईयरली के हिसाब से देखोगे तो ग्रोथ है लगभग 10% तक की, तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। एटलीस्ट कंपनी 10% तक की सेल जनरेट कर रही है जो कि काफ़ी ठीक ठाक है इस कंपनी के हिसाब से। देन अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट तो प्रॉफिटेबल कंपनी में यहाँ पर मिल जाती है। अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट लॉस ईयरली के हिसाब से तो नेट प्रॉफिट देखो कंपनी को इतना अच्छा देखने को बढ़ जाता है, 734, 768, 1000, 1100, 1700, 1500, 1700, 1724, ये भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इस कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी कहीं ना कहीं ठीक मामूली देखने को मिल जाती है। तो इसलिए आप इस कंपनी में होल्डिंग करके रखें, ज़्यादा सेल करने की जरूरत नहीं है और जिस भी इन्वेस्टर ने महके में बाय कर रखा है वो एवरेज करता रहे। बोरिंग देखो कंपनी की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो कंपनी का काम बढ़ रहा है। अगर बात करें कैश फ्लो की तो वो भी देखो कहीं ना कहीं इतना अच्छा देखने को नहीं मिला, ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अगर बात करें कंपनी के रेशियोज की तो आरओसी कंपनी की काफ़ी अच्छी हुई है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न की चर्चा करें तो लगभग प्रमोटर्स हैं 81%, एफआई हैं लगभग देखो 0.24% जो कि 0.22% से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीआई की बात करें 7.81% बढ़ के गिर के 7.60% हो चुके हैं। पब्लिक की बात करें 10.34% तक की जारी दिखाई दे जाती है। ये एक उस टाइप की कंपनी है जिसके अंदर आपको लंबी अवधि तक रुकना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स लेना चाहते हो तो वो आपको वो नहीं मिलेंगी। लंबी अवधि तक रुक सकते हो तो इस कंपनी में होल्डिंग करें, अगर नहीं रुक पाते हो तो इसमें सेल कर सकते हो। हालांकि देखो सेल करने में फायदा नहीं है, अगर आपका लॉस हो रखा है तो लॉस नहीं है तो सेल करो, बाकी मेरे हिसाब से सेल करने का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि अब इसमें इंडिकेटर बन चुका है, कहीं ना कहीं तेजी के आसार बनेंगे। मूविंग एवरेज ने एक अच्छा ग्रीन पॉजिटिव सिग्नल दे दिया है तो इसलिए इसमें तो तेजी के आसार बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। बाकी डिसीजन आपके हाथ में, जो करना चाहो पहले खुद से एनालाइज करना, खुद से कंसीडर करना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी है, बाइंग करनी है, सेल करनी है। मेरा काम था आपको गाइडेंस देना जो कि मैंने आपको दे दिया, और मुझे सिखाना था मूविंग एवरेज, वो आपको मैंने सिखा दिया। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, राधे राधे।